मंदिर परिसर में आपको समेश्वरनाथ धाम प्रसादी का दुकान देखने को मिलेगी और यहाँ पे कई सारे कथा के लिए स्थल बनाया गया है जहाँ पे लोग पूजा करवाते हैं। कई सारे बहुत ही भव्य पूजा होती है और यहाँ पे पूरा साल मेला लगता है। यहाँ पे भक्तों को भी देख सकते हैं, अभी पुलिस वाले नहीं है, श्रावण महीना चालू होने वाला है तो आके यहाँ से देख जाएंगे। उसके बाद ये है मंदिर का मुख्य परिसर जो कि अभी बंद है, पूजा शुरू होने वाला है। यहाँ पे लोग बाबा के दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे दान पत्र है, आप मंदिर का दर्शन देख सकते हैं। यहाँ पे हनुमान मंदिर है, पूजा हो रहा है। यहाँ पे पार्वती मंदिर, सब लोग इंतजार कर रहे थे, सब से रुक रुक कर लोगों को पूजा करने दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है जैसे कि मंदिर में अस्त्र शस्त्र लेकर प्रवेश करना मना है। इसके अलावा यहाँ पे शुल्क पूजा के लिए निर्धारित किया गया, देख सकते हैं लोग ठीक है, लोग यहाँ से निकल रहे हैं पूजा को। यहाँ पे हवन भी हो रहा है, पूजा भी हो रहा है, जोर जोर होते हैं शादी के नाम लोग भी भोलेनाथ आशीर्वाद लेने आए हैं। हवन होता है यहाँ पे, नवरत चलता है, बस्तर में तैयार होता है। आइए अब हम यहाँ से भी देवता को स्थापित करने के लिए स्थल बन रहा है, देख सकते हैं बहुत किया जा रहा है मंदिर परिसर में। प्रसाद यहाँ पे भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रतिमा बनाया गया है, आप देख सकते हैं। देखते हैं नजदीक से।
इसके अलावा यहाँ पे बनवे छोटी सी वाटिका बनाया गया पुष्प वाटिका। अभी तो भीड़ है और लोग कई सारे इंतजार कर रहे हैं जिसके चलते नहीं जा सकते हैं। मनसा माता का मंदिर है, मनसा बाबा, मनसा माता, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, आप देख सकते हैं। और ये है गौरी कुंड, हम आ गए हैं मंदिर यहाँ पर कई सारी चीज़ें, कई सारे मेलों में गए हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं प्रसाद के लिए है, बाबा का भोग लगता है, पेड़ा लस्सी बना लाई सूढ़ा जो कि गोभी से होता है, फिर अच्छा सूत्र मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा फेमस मेला लगता है यहाँ पे, एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाता है। अभी तो मैं घुमा नहीं सकता हूँ आपको, मंदिर परिसर का ही मेला है, आयोजित किया जाता है।